कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक के लिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। आज हमको पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल। मेटलर्जी में हमको इंडिविजुअल मेटल का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण देखना है। इसमें से पहला निष्कर्षण करने के लिए सीख रहे हैं हम आयरन का निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ना, किसी भी धातु को ओर से निकालना हो तो सबसे पहले ओर को सिलेक्ट करते हैं, अयस्क को सिलेक्ट करते हैं, उस अयस्क को सिलेक्ट करते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो। क्लियर ना? अब देखो, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लिए अयस्क, मुख्य अयस्क को सिलेक्ट कर लिए जिसमें धातु की मात्रा अधिक है। तो हम सिलेक्ट किए हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर ना? धातु की मात्रा ज्यादा है। तो हम अयस्क को सिलेक्ट करके सबसे पहले जो अयस्क हमको मिलेगा बड़ा बड़ा टुकड़ा में, उसको तोड़ तोड़ के महीन पाउडर बना लेंगे, ठीक है ना, चूर्ण बना लेंगे। तो पहला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे, चूर्णीकरण, पल्वराइजेशन की प्रक्रिया कराएंगे। पल्वराइजेशन, चूर्णीकरण कर लिए तोड़ तोड़ के, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? उसका सांद्रण करेंगे। अब देखो, जो पल्वराइजर ओर है उसका सांद्रण करने के लिए दो सिद्धांत से हम गुजर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है ना, चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्वीय पृथक्करण। क्लियर ना? अब देखिए, अब हम सांद्रण कर लिए, अयस्क का सांद्रण कर लिए, तो सांद्रित अयस्क को अब हमको ऑक्साइड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? ऑक्साइड में चेंज करना है। अब ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमको भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया प्रोसेस करनी होती है। तो देखिए, इसमें अशुद्धि उपस्थित होता है, ये ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड होते हुए भी इसका रस्टिंग किया जाता है, भर्जन किया जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्धि के रूप में FeSO3 सल्फर आर्सेनिक HB जैसी अशुद्धियां उपस्थित होती है। तो इसमें अशुद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए इसका निस्तापन नहीं बल्कि हम लोग भर्जन रस्टिंग कराते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्साइड होते हुए भी इसका रस्टिंग कराया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला इंप्यूरिटीज लिए FeS, तो ऑक्सीजन के भर्जन कराने, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से SO2 गैस निकल जाएगा, ये अपने ऑक्साइड बदल जाएगा, पुनः ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म हीट होगा तो Fe2O3 में बदल जाएगा, इसमें Fe2O3 हेमेटाइट में, ठीक है ना। फिर FeCO3 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, FeO में चेंज हो जाएगा, FeO में चेंज हो गया, और फिर FeO कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म होकर Fe2O3 में, और जो सल्फर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके SO2 गैस उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ही आर्सेनिक ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके H2O3 उड़ जाएगा ऊपर, ऐसे ही Sb ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके Sb2O3 ऊपर उड़ जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए, अब ये प्रोसेस आप समझ गए। इसके बाद हम लोग इसका, जैसे हमको ऑक्साइड मिल गया, धातु के क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, तो इसका अब हम रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो इसको लिख लीजिए, तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए, ठीक है ना, सांद्रण के बाद, क्लियर। तो अब इस भर्जन के बाद अब इसका क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है ना, अयस्क का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिडक्शन हमको कराना है धातु के ऑक्साइड का, तो रिड्यूस करेंगे तो कार्बन मेथड से इसका रिडक्शन किया जाएगा, और इसमें जो मुख्य अपचायक होगा, प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 760 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक वाक्य भट्टी लेते हैं, ठीक है ना, वात्या भट्टी के, इस वात्या भट्टी के बाबू चार भाग होते हैं, एक दहन क्षेत्र, गलन क्षेत्र, ठीक है ना, एक धातुमल निर्माण का क्षेत्र, एक अपचयन क्षेत्र, ठीक है ना।
और उसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर ऊपर से और को डालते हैं Fe2O3 और कार्बन के चूर्ण को और CaCO3 कार्बोनेट को डालते हैं, जो फ्लक्स की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। अब जैसे ही डाल के और इसके नीचे नीचे ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, दोनों तरफ से ये ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये और जाता है, इसमें इसका मिक्सचर जाता है, तो दहन के क्षेत्र में कंबशन की प्रक्रिया होती है, दहन क्षेत्र में दहन होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि सभी संपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में ये संपूर्ण प्रक्रियाएं होकर के इसमें जो क्या होता है, पिग आयरन होता है, क्या होता है ये पिग आयरन ये होता है, ठीक है ना, कच्चा लोहा, और इधर से हमारा एश्लेग बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, पिग आयरन इधर की तरफ हो जाता है और इधर से एश्लेग आयरन ऊपर से हम लोग डालते हैं, नीचे आके पिग आयरन कच्चा लोहा प्राप्त होता है और इधर से क्या निकल जाता है, एश्लेग निकल जाता है। तो चारों क्षेत्र के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला से हम कंसीडर करते हैं दहन क्षेत्र, फर्स्ट क्षेत्र क्या देख रहे हैं, दहन का क्षेत्र, दहन क्षेत्र कंबशन जोन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल कर कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके हीट होकर CO2 गैस देता है, ठीक है ना, CO2 गैस इधर से आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद कार्बन पुनः, कार्बन की प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का भी अमाउंट बनाता है और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के प्रचुर मात्रा में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए अपचाय, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे को मिला, अब ये अपचाय की तरह कार्य करने लगेंगे, किस तरह से कार्य करने लगेंगे, अपचाय की तरह कार्य करेंगे। तो अपचाय क्षेत्र में ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धातु के ऑक्साइड को, माने ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अपचाय की तरह कार्य करे, धातु के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा धातु में Fe में और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, क्लियर। अब देखिए धातु मल निर्माण क्षेत्र, अब जो धातु मल निर्माण क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर हम लोग डाले हुए हैं CaCO3, क्या डाले हैं CaCO3, जो फ्लक्स का कार्य करेगा, ये ब्रेक होके CaO बनाएगा बेसिक, ठीक है ना, और इसमें जो बालू सिलिका इम्प्यूरिटीज है एसिडिक नेचर का है और ये बेसिक नेचर का है, फ्लक्स की तरह कार्य करेगा, कॉम्बिनेशन करके ये एश्लेग कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 बना लेगा, जो एश्लेग के निर्माण क्षेत्र से क्या हो जाएगा, इधर से एश्लेग इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आप समझ चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं, इसमें इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बाबू वात्या भट्टी से हमको क्या प्राप्त हुआ, आयरन प्राप्त हुआ, कैसा आयरन, तो पिग आयरन कच्चा लोहा हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ध्यान रहे Fe का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1536 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें जब अशुद्धि उपस्थित हो जाता है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, कच्चा लोहा को, जो हमको वात्या भट्टी से कच्चा लोहा हमको प्राप्त हुआ था ना, उसमें अशुद्धतम रूप होता है, कच्चा लोहा लोहा का अशुद्ध रूप होता है, ठीक है ना। अशुद्ध रूप कच्चा लोहा में 95% शुद्ध आयरन होता है और 5% में 4% अशुद्ध कार्बन होता है और 1% सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर मैग्नीज MN होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 95% पिग आयरन को क्या करेंगे बाबू, शुद्ध आयरन को मेल्ट करेंगे, ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, पिघला के इसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे फिर से, ठीक है ना। तो हमको प्राप्त होगा क्रस्ट आयरन, CrSt आयरन, ढलवा लोहा प्राप्त होगा, ठीक है ना, जिसमें अभी भी 3% कार्बन अशुद्धि के रूप में बच जाता है, स्पष्ट ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस क्रस्ट आयरन को बेसमरीकरण की प्रक्रिया कराते हैं, उसके बाद जब बेसमरीकरण की प्रक्रिया कराते हैं, बेसमराइजेशन की प्रोसेस कराते हैं, तो पीटुआ लोहा ये प्राप्त हो जाता है, जिसको रोस्ट आयरन कहा जाता है, और ये लोहा का सबसे प्योर फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम रूप होता है, ठीक है ना। और इसमें भी अशुद्धि उपस्थित होता है, 0.3 से 0.4% अभी भी कार्बन इसमें उपस्थित होता है, लेकिन इससे अब इसको प्योरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए पीटुआ लोहा रोस्ट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होता है लोहा का, तो ये हमको प्योर फॉर्म में लोहा प्राप्त हो गया। तो ये था बाबू आयरन का निष्कर्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए है और जे में नीट में भी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको बार बार 2-4-5 बार लिख कर आप इसको, ध्यान रहे आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, स्पष्ट ना। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, थैंक यू।